हेलो वेलकम, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं लर्निंग जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग को, ऑनलाइन शॉपिंग में कैसे परचेज करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात कर चुके हैं कि कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, बहुत सारे या सब कुछ बात कर चुके हैं हम लोग। एक्चुअली इस वीडियो में हम परचेज करेंगे कोई एक प्रोडक्ट को, और आपको बताएंगे कि किस तरह से चेकआउट करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरी अच्छी तरह से हम आपको समझा देंगे कि किस तरह परचेज करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखें अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग का के बारे में, और फ्लिपकार्ट के वेबसाइट से, मतलब कि फ्लिपकार्ट के थ्रू हम किस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, और वो भी कैश ऑन डिलीवरी। आगे चल के हम बात करेंगे डेबिट कार्ड, उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग से शॉपिंग करना। अभी हम सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी के बारे में बात करेंगे, और कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू हम परचेज करेंगे कोई भी आइटम फ्लिपकार्ट से। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम चलते हैं फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पर, और वहां चल के हम पहले लॉग इन हो जाते हैं। तो अभी हम ब्राउजर को ओपन किए और फ्लिपकार्ट का वेबसाइट पर हम आ रहे हैं, यानी कि www.flipkart.com के वेबसाइट पर आ चुके हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पर किस तरह साइन अप किया, किस तरह से एक नया अकाउंट क्रिएट किए। तो इस वीडियो में हम शॉपिंग करेंगे। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि दो बटन दिख रहा है, एक साइन अप का और दूसरा लॉग इन का। तो हम यहां पर साइन अप नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में साइन अप कर चुके हैं। तो अभी हम लॉग इन पर क्लिक करेंगे, और लॉग इन पर क्लिक करने के बाद अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यहां पर डालने के बाद आप पासवर्ड डाल के लॉग इन हो जाएंगे। तो आपको अगर नहीं पता कि किस तरह से यहां पर लॉगिन करने से पहले साइन अप करेंगे, तो आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा हूं, ऑनलाइन शॉपिंग का प्लेलिस्ट का। तो हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं अकाउंट, तो यहां पर हम लॉगिन होंगे। अपने मोबाइल के थ्रू बनाए थे, तो अपने मोबाइल यहां पर डालकर पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हम अपना मोबाइल नंबर यहां पर डाल देते हैं और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं, और यहाँ पर सबसे ऊपर में यहाँ पर हाय कौशल लिख के आ रहा है, यानी कि मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ, और यहाँ पर बाकी सारी डिटेल आ रही है अकाउंट ऑर्डर वॉलेट का। तो अभी हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना है, तो सबसे पहले मैं आपको फ्लिपकार्ट के वेबसाइट का ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह यहाँ पर क्या क्या है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, तो यहां पर फ्लिपकार्ट का लोगो एंड फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है। उसके नीचे आप यहां पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद अप्लायंसेस, और उसके बाद आप देखिए मेन एंड वोमेन है, उसके बाद आप बेबी किड्स का भी कुछ यहां पर शॉपिंग कर सकते हैं, होम एंड फर्नीचर बुक भी कर सकते हैं, और यहां पर ऑफर है। अगर कोई ऑफर आता है तो यहां ऑफर जोन में आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इलेक्ट्रॉनिक पर अपना कर्सर को लेके आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोबाइल, उसके बाद मोबाइल एसेसरीज, लैपटॉप, उसके बाद लैपटॉप के बाद टीवी, कैमरा, कंप्यूटर पेरिफेरल, नेटवर्क कंपोनेंट है, उसके बाद कैमरा एसेसरीज है, टैबलेट, उसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक की सारी प्रोडक्ट है। अगर हम अप्लायंसेस में आते हैं तो यहाँ पर टीवी, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, किचन अप्लायंसेस, एयर कंडीशन और भी बहुत सारी है। और मेन में आते हैं तो मेन में आपके जितने भी क्लॉथ्स है, क्लॉथ, उसके बाद से आपका पर्सनल केयर, उसके बाद आपका मेन ग्रूमिंग एसेसरीज भी है अपने मेन से। अगर वोमेन में आते हैं तो सेम वही है, क्लॉथ और उसके बाद से ब्यूटी की सारी प्रोडक्ट है। और बेबी या किड में आते हैं तो अपने सारे बच्चों के यानी किड्स के जितने भी क्लॉथ्स और उसके बाद से और भी जो भी है यहाँ पर सारे ही दिए हुए हैं। होम एंड फर्नीचर में आप देख सकते हैं, बुक एंड मोर में भी बहुत सारे है, ऑफर जोन में भी आप क्लिक कर देख सकते हैं। तो अगर आपको
अपना किसी अगर इंडिविजुअल किसी आइटम को आप सर्च कर रहे हैं तो पहले आप देख लेंगे कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है या कोई क्लॉथ है या कुछ और है, उसके हिसाब से आप उसके कैटेगरी में आके देख सकते हैं। या तो फिर सबसे अच्छा होगा कि आप उसका अगर नाम पता हो तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक सर्च बॉक्स है, तो आप यहाँ पर आकर सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सर्च करके जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, आप वहां से भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में आने के बाद से हम लैपटॉप के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर एक्सेसरीज है, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर एक्सेसरीज है, कंप्यूटर एक्सेसरीज के सारे यहाँ पर डिटेल आ चुकी है, मतलब जितने प्रोडक्ट हैं वो आ चुके हैं। यहाँ भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्टोरेज, लैपटॉप बैग, लैपटॉप स्क्रीन, उसके बाद यहाँ राउटर, कूलिंग पैड, मतलब अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो हमें सिंपली एक माउस चाहिए, तो चलिए हम माउस पर क्लिक करते हैं। आपको जो चाहिए वो यहां पर क्लिक कर लेंगे, और अगर आप कैटेगरी में नहीं आना चाहते हैं तो सिंपली आप सर्च बॉक्स में आकर यहां पर टाइप कर देंगे माउस और सर्च कर लेंगे। तो यहां पर सर्च करने के बाद सेम वही आपका माउस में ये सर्च लेकर आ जाएगा, फिर आप यहां से भी बाय कर सकते हैं। आप सबसे पहले आप कोई भी अगर प्रोडक्ट आप बाय करते हैं तो इसके लिए आपको उस प्रोडक्ट के डिटेल एंड रिव्यू एंड रेटिंग को चेक कर लेना होगा आपको, क्योंकि उससे पता चल जाएगा आपको कि वो प्रोडक्ट कैसा है और जिन लोगों ने इसे आपसे पहले परचेस किया है उसके बारे में, मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने कुछ ना कुछ राय दिया होगा, तो वो राय आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि एक माउस है, B100 वायर माउस है, इसका प्राइस है 345। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप इसका रेटिंग देख सकते हैं कि 4.4 रेटिंग है, एंड इसका रिव्यू भी 39 दिया गया है। तो आप नीचे करके आप इसका रिव्यू भी पढ़ सकते हैं और इसके बारे में जानकारी और भी ज्यादा हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पर नीचे करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 4.4 रेटिंग है एंड बाकी सब रिव्यू यहां पर लिखा हुआ है। तो ये सबसे अच्छा फीचर्स होता है ऑनलाइन शॉपिंग में, कि अगर आप अगर ऑफलाइन खरीदते हैं तो अगर आपसे पहले जो भी अगर बाय किया होता है अगर प्रोडक्ट को, तो आपको बता नहीं सकता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या खराब है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन आते हैं तो आपसे पहले जिन लोगों ने भी खरीदा है और अगर उसका रिव्यू यहाँ पर लिख के रखा है तो आप उसे पढ़ के आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है या आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ऑनलाइन शॉपिंग में ये सबसे अच्छी फीचर्स एक मेरे लिए है। तो आप यहाँ पर पढ़ लेंगे कि आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर आपको यहाँ पर अगर निगेटिव अगर कमेंट आते हैं, मीन्स निगेटिव अगर आपको यहाँ पर रिव्यू मिलता है, तो आप इसको छोड़ के फिर दूसरे में आ सकते हैं और दूसरा माउस भी देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसे परचेज करेंगे। तो किस तरह परचेज करेंगे चलिए हम आगे जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चूज करना होगा कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। तो अभी तो मैं माउस में आया हूं, अगर आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो मोबाइल के कैटेगरीज में आप आ जाएंगे, और आने के बाद आप यहां से सर्च कर लेंगे कंपनी वाइज कि कौन सी कंपनी की आपको मोबाइल चाहिए, मीन्स कौन सी ब्रांड की आपको मोबाइल चाहिए। या तो फिर आप ऐसे ही डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मोबाइल उबाइल, देखिए 10,000 के अंदर का मोबाइल यहाँ पर सब दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग बैटरी के दिया गया है, बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। जो भी मोबाइल चाहिए आप उसे यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर ला इको का एलिट 2 रोज गोल्ड 32 GB का एक मोबाइल है जो कि 11,999 रुपीस का है। तो अगर मेरे को इस मोबाइल का रिव्यू जानना है या किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है इसके बारे में जाननी है, तो सिंपली हमें इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक पेज ओपन हुआ जहां की इस मोबाइल की सारी डिटेल दी गई है। तो आप इस मोबाइल की सारी डिटेल पढ़ सकते हैं कि इस मोबाइल में क्या है। आप यहाँ पर फीचर्स में देख सकते हैं कि मोबाइल की डिटेल दी गई है, इम्पोर्टेंट नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं, सेलर कौन है, किससे मोबाइल आपको मिलेगी वो भी यहाँ पर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद आप इसका रेटिंग देख सकते हैं कि 4 इसका रेटिंग है, और उसके बाद रिव्यू भी देख सकते हैं कि काफी ज्यादा है। तो आप नीचे करें और नीचे करके आप यहां से रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहां पर सारी रिव्यू बहुत ही पॉजिटिव में दी गई है। तो अगर आपके लिए ये मोबाइल
आप अगर ये मोबाइल लेना चाहते हैं तो आपको ये जो रिव्यू है आपको हेल्प कर सकता है आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में। तो चलिए हम एक प्रोडक्ट को परचेज करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से परचेज होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे ऊपर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 24/7 कस्टमर केयर है। आप कस्टमर केयर में बात करके भी परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर परचेज करने में कोई परेशानी हो रही है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह परचेज करेंगे, तो आप कस्टमर केयर में कॉल करेंगे। वो लोग कस्टमर केयर वाले यानी कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे किस तरह परचेज करना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर डाउनलोड एप्स है। अगर आपका एंड्रॉयड या iOS मोबाइल है तो आप वहां से भी मतलब परचेज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रैक करना है कि हमने जो बुक किया था, जो परचेज किया था इससे पहले अपने फ्लिपकार्ट के आईडी से, तो वो अभी कहाँ पहुंचा है, क्या स्टेटस है, वो आप यहाँ से ट्रैक ऑर्डर पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और अपने प्रोडक्ट को अपने जो आप परचेज करना चाहते हैं प्रोडक्ट उस पर अगर अपने कर्सर को ले जाते हैं तो आप ये देखिए कि आप स्क्रीन को जूम करके भी देख सकते हैं कि प्रोडक्ट आपका कैसा है। आप अलग अलग यहाँ पर तस्वीर दी गई है, आप उस पर भी क्लिक करके आप यह तस्वीर देख सकते हैं कि मोबाइल कैसा दिखता है। तो चलिए हम एक छोटा सा कैश ऑन डिलीवरी के लिए परचेज करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से ऑर्डर होता है, और आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरह से ऑर्डर करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक बार समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए हम होम बटन पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आकर हम यहाँ पेन ड्राइव में आते हैं। तो चलिए हम पेन ड्राइव पर क्लिक करते हैं, या हमें कुछ और परचेज करना है, जैसे कि स्क्रीन गार्ड हमें परचेज करना है, या फिर अगर केबल परचेज करना है, या चार्जर, या सेल्फी स्टिक, कोई भी अगर परचेज करना है तो उस पर आप क्लिक करेंगे। चलिए हम सेल्फी स्टिक पर परचेज कर रहे हैं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप क्या किस तरह परचेज करेंगे। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या परचेज करना है। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ सेल्फी स्टिक में, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सेल्फी स्टिक यहाँ पर दी गई है। तो अगर आपको जो सेल्फी स्टिक पसंद है आप उसको बाय करेंगे, किस तरह बाय करेंगे वो देख लेंगे हम। तो आप यहाँ पे रेटिंग देख सकते हैं कि रेटिंग क्या है, रेटिंग हिसाब से आपको समझ में आ जाएगी कि आपको ये मतलब अच्छा है आपके लिए या अच्छा नहीं है। तो प्राइस भी आप नीचे लिखा हुआ है देख सकते हैं हम। चलिए हम एक परचेज करते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर 149 की इसकी प्राइस है और रेटिंग 2.5 है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह परचेज करते हैं, तो इसलिए मैं इसको इस पर क्लिक करके इसे ही परचेज करता हूँ। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिख रहा है इंटर पिन कोड। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके एड्रेस पे ये जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपके एरिया में ये पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, पिन कोड के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना यहाँ पर पिन कोड देते हैं और चेक कर लेते हैं। हमने अपना पिन कोड दिया और चेक पर क्लिक किए। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिलीवरी बाय 20 सितंबर, मतलब कि 20 सितंबर तक ये डिलीवर हो जाएगा 65 रुपीस अगर हम इसके एक्स्ट्रा पे करें तो। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो बाकी सारी डिटेल भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये अगर हम यहाँ इस पे अगर हम मंगाएं तो ये डिलीवर बाय ट्यूजडे, मतलब मंगलवार तक ये हमें मिल जाएगा, और बगल में 20 सितंबर लिखा हुआ है। तो अब अगर हम यहाँ पर सर्विस में देखें तो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है इस पिन कोड पे, और 10 दिनों की रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी है, मतलब अगर हमें पसंद नहीं आता है तो 10 दिनों के अंदर हम इसे रिटर्न भी कर सकते हैं। तो किस तरह हम परचेज करेंगे, आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एड टू कार्ड एंड बाय नाउ लिखा हुआ है। एड टू कार्ड का मतलब ये हुआ कि अगर आप बहुत सारे मतलब आइटम को परचेज करना चाहते हैं तो आप ऐड टू कार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ऐड टू कार्ट में अभी 0 शो कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि 0 शो कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको ऐड टू कार्ट में करेंगे तो यहाँ पर 1 शो करने लगेगा। मतलब अगर हमें अभी ये भी परचेज करना है, हेडफोन परचेज करना है, चार्जर परचेज करना है, बहुत सारे आइटम परचेज करना है, तो सबको एक एक करके तो बाय नहीं करेंगे, सबको ऐड टू कार्ट करते जाएंगे। अभी ये हमने ऐड टू कार्ट किया, फिर नेक्स्ट और दूसरा मतलब सर्च करने के बाद से उसको ऐड टू कार्ट ऐसे करके, सपोज यहाँ पर करिए 5 हमने ऐड टू कार्ट में आइटम ऐड कर लिया, उसके बाद सिंपली ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे और
चेकआउट कर लेंगे। तो हमें और प्रोडक्ट तो ऐड नहीं करना है क्योंकि हमें एक ही प्रोडक्ट को परचेज करना है। आपको अगर ज्यादा परचेज करना होगा तो आप ऐड टू कार्ट करते जाएंगे। तो हम एक ही प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो चलिए अभी हम बाय नाउ पर क्लिक करते हैं। और बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सबसे ऊपर हमारा लॉगिन आईडी दिखा रहा है, उसके नीचे नेम, पिन कोड, एड्रेस, लैंडमार्क, सिटी एंड मोबाइल नंबर यानी कि फोन नंबर यहाँ पर लिखने को दे रहा है ताकि आपको इस जगह पर ये फ्लिपकार्ट डिलीवर कर सके आपके आइटम को। चलिए हम अपना यहाँ पर फटाफट नाम और एड्रेस टाइप कर देते हैं। अभी हमने अपनी सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप कर दिए। फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अभी हम कंटिन्यू पर जब क्लिक किए तो हमारा जो हमने ऑर्डर समरी है वो यहाँ पर दिखा दे रहा है कि आपको 149 प्राइस है और डिलीवर बाय ट्यूजडे सितंबर 20 आपको 60 रुपीज डिलीवर चार्ज करने पड़ेंगे और टोटल हो गए 214 रुपीज आपको यहाँ पर अमाउंट पेबल यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद आपको ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एक और देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि बिफोर मेकिंग द पेमेंट प्लीज शेयर एन ईमेल आईडी फॉर जनरेटेड इनवॉइस। अगर आप यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी दे देते हैं तो आपको ये जो रिसिप्ट होगा, जो इनवॉइस होगा, इनवॉइस स्लिप होगा, वो आपको उस मेल पे भेज देगा। क्या है ये इनवॉइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं जो कि वारंटी में आता है तो ये इनवॉइस आपके काम आएगा। ये आपका बिल है तो आप जरूर एक ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दें। डालने के बाद आप कंटिन्यू क्लिक करें। चलिए हम अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये कंटिन्यू बटन हाईलाइट हो गया। इससे पहले ये हाईलाइट नहीं हो रहा था। तो हमारा अगर इनवॉइस यहाँ से जनरेट होता है तो हमारे इस ईमेल आईडी पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और इसे हम परचेज करते हैं। कंटिन्यू पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद पेमेंट मेथड आ गया। अब हमें यहाँ पर पेमेंट करना है। किस तरह हम पेमेंट करेंगे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो सबसे ऊपर आप देखिए कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, उसके नीचे नेट बैंकिंग है, उसके नीचे ईएमआई है, मतलब इजी मंथली इंस्टॉलमेंट पे भी आप ले सकते हैं अगर बैंक आपको अलाउ करता है तब। उसके बाद डेबिट कार्ड और नीचे कैश ऑन डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी भी आप ले सकते हैं। सबसे ऊपर आप क्रेडिट कार्ड देखिए तो आपको करना क्या होगा कि आप यहां पर क्रेडिट कार्ड नंबर डालेंगे, अपना एक्सपायरी, सीवीवी नंबर एंड कार्ड पर आपका जो नाम प्रिंट है वो, और सेवन पे पर क्लिक कर लेंगे। और फिर आप नेट बैंकिंग में अगर आते हैं तो आप नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं। आप इन सब बैंक से, पॉपुलर बैंक से, या तो फिर आप यहां से अपना बैंक सिलेक्ट करके भी पे कर सकते हैं और ईएमआई में भी पे कर सकते हैं, वो आपका अगर बैंक अलाउ करता है तो। डेबिट कार्ड से भी सेम वही प्रोसेस है, आप अपना डेबिट कार्ड का नंबर यहां डालेंगे, फिर एक्सपायरी डेट, फिर सीवीवी नंबर, उसके बाद अगर आपका कार्ड के नाम पर प्रिंट है, कार्ड के ऊपर आपका नाम प्रिंट है तो वो नाम यहाँ पर डालने के बाद सेवन पे पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक करते हैं और कैश ऑन डिलीवरी कार्ड परचेस करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक करने के बाद ये जो कैप्चा है आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ फिलअप कर देता हूं। और यहां पर फिलअप करने के बाद कंफर्म ऑर्डर पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक कर देते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर लिख के आ रहा है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, मतलब कि हमने ये परचेज कर लिया और हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ऑर्डर जो प्लेस हुआ है उसका यहाँ पर डिटेल वो भी आ रही है। एड्रेस देख सकते हैं आप कि कौसर अली, और ये जो हमारा मोबाइल नंबर और यहाँ पर एड्रेस लिख रहा है, ये दिखा रहा है आपको यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं कि योर ऑर्डर, योर कंप्लीट ऑर्डर विल बी डिलीवर बाय सितंबर 2016। तो यहाँ पर आपकी डिटेल सब आ चुकी है। आप नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नीचे ऑर्डर नंबर भी शो कर रहा है।
ऑर्डर नंबर भी आपका यहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद आप यहाँ पर योर ऑर्डर समरी लिख के आ रहा है और यहाँ पर आपके जो ऑर्डर आप किए हैं उसकी यहाँ पर डिटेल है, आपका यहाँ प्राइस है, कब तक पहुंचेगी वो यहाँ पर दिया गया है, और नीचे आपका टोटल जो ग्रैंड प्राइज है वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो अभी हमारा ये जो परचेज है, जो हमने परचेज किया था, वो कन्फर्म हो चुका है और हमने इसे ऑर्डर को प्लेस कर चुके हैं और हमारा ऑर्डर कन्फर्म हो गया। तो अब हमारा ये जो ऑर्डर है वो 20 सितंबर तक हमें मिल जाएगा। ये जो डेट है वो मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम होता है ये, उससे पहले आपको मिल जाता है ये प्राइस, आपका प्राइस नहीं, आपका जो ये ऑर्डर आप जो किए हैं वो आपका ऑर्डर मिल जाएगा 20 सितंबर से पहले, ठीक है। तो अभी हमने ये बुक कर दिए, तो आपको अगर इस कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है फ्लिपकार्ट से बुक करने में, परचेज करने में कोई भी आइटम, तो प्लीज आप हमें कमेंट में बताएं, हम जरूर आपका हेल्प करेंगे परचेज करने में। और अगर आपको उससे ज्यादा हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर 24/7 कस्टमर केयर नंबर है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप कस्टमर केयर में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर केयर वाले आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे परचेज कराने में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसी तरह के दूसरे वीडियो में जल्द से जल्द मिलते हैं। आप कमेंट करना ना भूलें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ था लेकिन मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया। तो अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो इस तरह से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग आप कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारी बेनिफिट आपको मिल जाती है, बहुत सारे रिव्यू और आपको रेटिंग देखने को मिल जाती है जो कि ऑफलाइन में मिलती नहीं है। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट में लिखें, हम जरूर आपका हेल्प करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं सब्सक्राइब करने के लिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में।